अधिनेता के तौर पे देखा जाए तो प्रदीप जैन बढ़िया है, समझ रहे। बस अधि आदमी मोदी को देख के देगा तो वो बीजेपी को दे देगा, लेकिन जन समाज में तो अभी देखो बीजेपी का ही है। क्या बात है चाचा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो वहाँ बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, अपने यहाँ से तो भैया बीजेपी का है। बस इतना ही बताओ कि बीजेपी को ही वोट देना है। कितनी नौकरी दी है मोदी जी, कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, तो उसमें 15 लाख खाते में आएंगे, एक ही वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। देखिए देश हित में तो मोदी जी को आना आवश्यक है। क्या बात है चाचा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमें देश की सुरक्षा संरक्षा बहुत ही आवश्यक है। अब तक इतनी सरकारों कभी लीक नहीं हुआ, करंट में आप उठा के देख लीजिए, नीट का पेपर तक लीक हो रहा। क्या मूड है, सही वाला? सही वाला, कांग्रेस वाला मूड। क्या घर वाले हमारे तो सब बीजेपी वाले हैं, काय को झूठी बोले। और हमें तो देखा ही लग रही कि आने वाले समय में मोदी सरकार फिर से दोबारा बने। बीजेपी वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं, जो राम को ला सकते, जो नीरव मोदी विजय माल्या लोगों को क्यों नहीं ला सकते? परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि जनता बहुत परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर एक चीज से। अपना जो ये जो फ्लाईओवर बन गया है झांसी ग्वालियर रोड वाला, उसका देखिए कितनी तेजी से काम हुआ हैगा, और कितनी जो एक साइड की रोड है वो पूरी खुल गई हैगी, उससे यातायात व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो गई हैगी। पहले जो जाम लगता था आधा आधा घंटा क्रॉसिंग में, आम जनता को परेशान होना पड़ता था, वो माननीय अनुराग शर्मा जी सांसद जी ने उसका वो करवाया। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आज आई है नेताजी के मोहल्ला में। नेताजी मतलब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रपाल सिंह यादव के मोहल्ला में हम लोग आर कन्या चौराहे पर खड़े हैं, सीपरी बाजार का जो पूरा इलाका है। हम इनके पीछे कछुई दूरी पर नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव को मकान है। अब इतने अपन समझें कि काकछू माहौल है, इतना की जनता का कह रही है, इतने गुजरवे वाले राहगीरन को काम मूड है, इतने रहवे वाले लोगन को काम मूड है। कछु लोगन से चर्चा करें और उस चर्चा से अपन को समझ में आए कि इतने के लोगन को मिजाज का है, इतने के लोग इस बार का चाह रहे और का स्थिति है। कछु साथी हमारे खड़े हैं, लोगन से पूछें का है गुरु ईदार को मिजाज का है, का स्थिति है नेताजी के मोहल्ला की है, का स्थिति है अपने यहाँ से? तो भैया बीजेपी का है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी का है। बहुत दिन नहीं हो गए, अब 10 साल हो गए पूरे है? नहीं, अब उन लोगों की बातें थोड़ी सी क्या है ऐसी रहती है जो अच्छी नहीं लगती। इनकी जैसे अब आज ही बयान आया उनका, कांग्रेस के नेता का, अय्यर का, उन्हें हाँ। पाकिस्तानियों का सम्मान करो, भले ही वो कुछ भी दें हमें हाँ। पर ये सब बातें क्या है अच्छी नहीं लगती हाँ। हमारा जो पसंद नहीं आती बातें हाँ। तो इन सबको लेके बीजेपी, बीजेपी ठीक हाँ। बयान तो बीजेपी के नेता भी उलझलुल कछु भी देते नहीं, नहीं ऐसे नहीं आते, ऐसे बयान नहीं आते उन लोगों के, इतने घटिया नहीं आते, नहीं आते हाँ। और का अच्छा लगा बीजेपी में है? और बीजेपी जो अपनी देश की बात करती है हाँ। अपने धर्म के लिए कर रही है, विकास भी हो ही रहा, थोड़े आगे आप जाओ, आ जाओ, आ जाओ। विकास भी हो ही रहा हाँ। ऐसा तो है नहीं है कि विकास ना हो रहा हो, विकास भी हो रहा है बीजेपी। गुरु का है स्थिति ठीक है, बस अब हम तो आम जनता है हाँ। बस इतना ही बताओ कि बीजेपी को ही वोट देना है। प्रदीप जैन में क्या, प्रदीप कितना अच्छा सरल सहज, बे जैन साहब भी अपने हैं हाँ, कोई हाँ, पराये थोड़ी है हाँ। पर अब यह है कि अभी माहौल बीजेपी का चल रहा है तो बीजेपी को दें। तो है बीजेपी बारे हाँ। प्रदीप जैन की बुराई नहीं करा? नहीं नहीं, प्रदीप जैन जो है वो अपने लोकल है, अपने माननीय है, कोई उनसे बुराई थोड़ी है। पर एक नेता नगरी में हो तो नहीं के जो पक्ष तो उनकी देखो पर्सनल व्यवहार, उन्हें भी जिताया हम लोगों ने हाँ। उन्हें भी जिताया, एक समय था वो सांसद रहे हाँ। मंत्री रहे हाँ। तो उन्हें भी जिताया। अब ये कि बीजेपी की लहर है तो भैया अबे है लहर, सही बात, सही 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 हाँ, लहर है, चल रही। कितनी लहर, 14 जितनी 19 जितनी के उससे इतना कम? उतनी है, उससे ज्यादा ही है। ये तो झूठी बात नहीं, झूठी का कम है, बिल्कुल सच बात है। अच्छा कांग्रेस में का कमी नजर आ रहा है? कमी किसी की नहीं हाँ। कमी किसी की नहीं, बीजेपी यही का है, और ऑप्शन का है नहीं दिखा रहा। अब बचपन से बीजेपी को वोट तो देता रहे हाँ। केवल जो ये कारण है कि का बचपन हाँ। से दे जा रहे सो हाँ, बस बीजेपी को देता रहे, बीजेपी को ही दें। का लग रहा भैया? सही भैया, ठीक बताइए। और बिल्कुल आपसे हम तो एक बात कहना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये भी भाई हमारे हैं, ये भी भाई हैं, सब लोग का कहना है बीजेपी हाँ। बीजेपी ने 10 साल से सरकार केंद्र में है हाँ। जैसे युवा हैं ये, कितनी नौकरी दी है मोदी जी, कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, तो उसमें 15 लाख खाते में आएंगे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। एक भी बार आप इनसे, बीजेपी भाई हैं हमारे, इनसे पूछिए 5 साल में इन्होंने कितना कार्य किया, हमें ये बताइए। ये युवा हैं,
विभाग की बात कर रहा है बीजेपी के लेके महंगाई कह रहा है कि हम तो बचपन से बीजेपी को देख चले आ रहे हैं। सो बीजेपी महंगाई बराबर रही, बेरोजगारी महंगाई हर सरकार का मुद्दा रही और कोई खत्म नहीं कर पाया, समझ रहे हैं? हर सरकार का मुद्दा रहा बेरोजगारी महंगाई, हम गरीबी मिटाएंगे और कोई नहीं मिटा पाया। इसकी सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी जी थी जो संसद के बाहर सिलेंडर लेके बैठती थी 350 का जब था कि महंगा है महंगा है, यही सिलेंडर आज 1100 के दामों पर है। देख रहे आई यार उल्टो सीधो बयान दे रहे पाकिस्तानियों को सम्मान कर रहे, ये तो सर जुमलाबाजी है, कोई नहीं है जो सरकार में बैठते वो आज इनकी करेंगे कल उनकी करेंगे, आपसी में सब एक ही है, आपसी में सब एक। हाँ क्या लगा बीजेपी का है? सब कुछ विकास है, सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे, जहाँ से सिटी देख लीजिए स्मार्ट वर्क चल रहा है और शिक्षा के मामले में भी अच्छा चल रहा है, हर विषय में हर फील्ड में आप देखेंगे हर जगह विकास है। अभी करेंट की बात बताएं हम आपको, जो नीट का पेपर हुआ आज तक इतनी सरकारों कभी लीक नहीं हुआ, करंट में आप उठा के देख लीजिए नीट का पेपर तक लीक हो रहा, जो पेपर होता वो इस सरकार में पेपर ही लीक होते रहते, ऐसा कोई पेपर नहीं हो जिसकी लेखपाल की भर्ती है उसका पेपर लीक, पुलिस का भर्ती। सीधी सटीक सवाल और सटीक जवाब, झांसी को मिजाज का है? झांसी तो भैया अब वोटर है सही, दिल पे हाथ रख के बताओ झूठी नहीं, घाम में फिर रहे और शाम के तुम्हारे भी आए वो पब्लिक का तो ये है कि देखो यदि नेता के तौर पे देखा जाए तो प्रदीप जैन बढ़िया है। हाँ। समझ रहे, बस यदि आदमी मोदी को देख के देगा तो वो बीजेपी को दे देगा तो फिर अनुराग शर्मा जी, अनुराग शर्मा जी प्रदीप जैन जी है, उन्होंने अपनी जब केंद्रीय मंत्री रहे हैं तो काफी उन्होंने कार्य किए हैं, पर्सनली उनका व्यवहार अच्छा है, मतलब उनसे कोई ऐसा नहीं है, मतलब है 50-50 की टक्कर है इस बार। जैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और हम लोगों से जुड़े रहे और ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, सबसे पर्सनल आके मिलते हैं, बिल्कुल घर जैसा है। कभी भी वोट लाख नहीं समझ रहे उन्हें हैं, इसके बाद भी वोट लाख नहीं समझ रहे उन्हें? नहीं काहे नहीं समझ रहे, नहीं कह तो रहे आप नहीं बोले, अब आप ये बताओ हम शुरू से वोट बीजेपी को दे रहे हैं, अब बाकी बात अगर आप कह रहे हो तो थोड़ा और निर्णय कर लेंगे। कौन को? अरे हम नहीं कह रहे भैया, अरे यार भाजपा बारे हमें खा ले, भाजपा बारे हमें खा ले कि तुम कन्वर्ट कर रहे हो यार, नहीं हम नहीं कर रहे, हम तो कह रहे कि जनता विचार करे कि ना करे, चाहे हम परिवार जैसे घर पे बैठेगा हम लोग निर्णय लेंगे आपस में बैठ के कि किसे करना है, जैसे होगा तो मतदान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आप एक चीज बताइए, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं हम राम को लाए हैं, जो राम को ला सकते जो नीरव मोदी विजय माल्या लोगों को क्यों नहीं ला सकते? बताओ भाई कह रहे राम को तुम ले आ सकते, आप जो राम को ला सकते हैं जो भगवान को ला सकते तो इन लोगों को क्यों नहीं ला सकते? धरती के इंसान को नहीं ला नहीं सकते, भगवान को लाए हो आप? अरे तो तुम ले आओ भाई, तुम ले आओ ना, मना कर दे तुम ले आओ अपनी सभा से कहेंगे हम भगवान को, तुम ले आओ यार भाई, तुम कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक नॉर्मल बात बताओ, भगवान हमें लाए कि हम भगवान को लाए? पूरी सृष्टि भगवान ने रची है, नीरव मोदी को सब कुछ भगवान ने ही रचा। बताओ छोटी सी जनता है, गरीब आदमी है, महंगाई चरमों पे है, क्या बताओ भैया? परिवर्तन तो जरूरी है, देखो झांसी में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि जनता बहुत परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, हर एक चीज़ से है, तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं देखें तो झांसी में हर एक छोटी छोटी समस्या बहुत ज़्यादा, जैसे पानी की ले लो आप, हैं पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, तो अब ये अपने लोकल के कैंडिडेट को भी थोड़ा देखना पड़ेगा और हर एक चीज़ मतलब सोच समझ के ही इस बार कोशिश, तो ये लहर तो है परिवर्तन की इंडिया का, तो की को बनना चाहिए सांसद झांसी से? हमारे हिसाब से तो जैन साहब को आना चाहिए, हाँ तो थोड़ा देश में की को प्रधानमंत्री की को बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो वैसे गठबंधन को ही होना चाहिए, गांधी राहुल गांधी अपने युवा नेता हैं, बेरोजगारी पे काफी बोल रहे हैं, और युवा सोच जो प्रधानमंत्री जो युवाओं के हक में बात करेगा उसको बनना चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री किसको? एक आध नाम जैसे कि अब देखो बता रहे हैं कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? विपक्ष में जैसे कि करंट में अभी देखा जाए तो अभी राहुल गांधी जी हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जी हैं, अगर हमारी तो एक कहना नाम बीजेपी के सपोर्ट में है ना, सपा के ना इंडिया गठबंधन, मतलब जो युवा की बात जो करेगा हमारे हक की बात करेगा उसको प्रधानमंत्री बनना, उसको बनना चाहिए। आप लोगों के चाचा से पूछे, चाचा क्या लग रहा सही रिपोर्ट का है? अभी तो कुछ देखो हमें पता है आप लोगों के पास पूरी रिपोर्ट रथ आप अंदर अंदर सब था तोड़ लेते, अभी अभी कोई ऐसी ठोस रिपोर्ट तो नहीं है हमारे पास, नहीं जितनी आई होती बता दो, लेकिन जनसामान्य में तो अभी देखो बीजेपी का ही है। क्या बात है चाचा,
बहुत बढ़िया, जहाँ देखो वहाँ बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, इन्हीं सब की चर्चा है। हाँ मित्रा जी, और देश हित में, प्रदेश हित में इसी पार्टी को होना चाहिए। कांग्रेस तई का नहीं झुकाओ या गठबंधन तरफ का नहीं, उनकी का कमी है, का कारण है कि गठबंधन तरफ? कांग्रेस के जैन साहब कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे जमीन स्तर के है कुलदीप जैन साहब, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हम सबकी पहुँच पे है, वो मिलना आसान है, मिलना आसान है उनसे, अपनी बात कहना आसान है और वो हमारी बात को सुनते भी हैं। लेकिन इसके पीछे लेकिन भी है, अब लेकिन है कि नहीं है चाचा? अब ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कहूँगा, लेकिन के बाद का बता दो बस, टीका टिप्पणी लेकिन के, सरल हैं, सहज हैं, मिलनसार हैं, बात सुनते हैं, बात लोग कह पाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन देखिए देश हित में तो मोदी जी को आना आवश्यक है। क्या बात है चाचा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमें देश की सुरक्षा संरक्षा बहुत ही आवश्यक है, हम सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। अकेले जैन साहब आ भी जाए तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जैन साहब को कहीं ना कहीं शुद्ध मक्खन वाला घी होता है ना, वो लगाने वाला, भाई साहब बहुत महान आदमी हो, लेकिन वोट ना ऐसे कैसे कट कर, वोट नहीं मांगो, यही है बात। इसमें मक्खन वाली कोई बात नहीं है, हाँ। जो वास्तविकता है, नहीं जब इतना अच्छा व्यक्ति है तो क्या वोट के लायक नहीं है? बिल्कुल वोट के लायक है, नो डाउट। फिर आप कहाँ से, आप सीधा कश्मीर से चढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ नजर रखनी है चील की। ये झांसी का माहौल है और झांसी की गलियों में घूम के ही पता चलेगा कि झांसी का बाकी में मजाज क्यों चाचा, जब तक घूमेंगे नहीं कैसे पता चलेगा, असलियत कैसे पता चलेगी? भाई जब तक आप जमीन पे नहीं उतरेंगे, हाँ। तो वास्तव में क्या स्थिति है कैसे पता चलेगा, कैसे आपको समझ में आएगा? तो क्या वर्तमान सांसद हैं वो जमीन पे उतरे हैं? वर्तमान सांसद जो 5 साल रहे हैं उतरे हैं चाचा? नहीं चाचा, जवाब तो दो। देखिए अनुराग साहब भी बहुत अच्छे हैं, हाँ। उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है और देश हित की भावना, जनता हित की नहीं, अनुराग शर्मा बेदाग हैं, पैसों का लाला, पैसा नहीं चाहिए उनके पास, पर्याप्त है, नहीं, उन्हें पैसा बिल्कुल कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, छवि खराब नहीं है, कोई छवि खराब नहीं, लेकिन क्या ग्राउंड पर निकले हैं? है? ग्राउंड पर भाई मुझे तो प्रदीप जन के लिए कह रहे थे आप, सरल हैं, मिलनसार हैं, अपनी बात कह लो, सुन लो, कहीं भी पकड़ लो, क्या अनुराग शर्मा के साथ ऐसा है क्या? बिल्लो को तो उनसे भी मुलाकात हुई है हमारी, हुई है, बिल्कुल हुई है, और उनका सद व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमें। नहीं प्रदीप जैन और अनुराग शर्मा का कंपैरिजन देखेंगे, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। खैर हम विरोधी किसी के नहीं हैं, हम केवल सच्चाई बताएंगे झांसी की गलियों की, कि सच्चाई क्या है, अंदर क्या चल रहा है। लोग प्रदीप जैन को लेके सहानुभूति रखते हैं, उनकी कर्मठता को लेके, उनकी जो सरलता है, सहजता है, उसके लिए लोग पसंद करते हैं प्रदीप जैन को। लेकिन जब वोट की बारी आ रही है तो लोग कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं, लोग कह रहे हैं मोदी योगी देख रहे हैं, फिर हम क्या लग रहा गुरु, सच देखो, झूठ बात बहुत चैनलों पे चल रही है, अपन को सही दिखाना, चुनाव के बाद होगा जो कुछ होगा, पहले बताओ, पहले पहले क्या बताएं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योतिषी यदि पहले बताएगा कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी तो उसकी वैल्यू है, अभी क्या बताएं, अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो चल रहा है, हम तो कुछ देखने आए थे अभी तो, थोड़ा बहुत चल रहा है, सर जी बात कर रहे थे, हमने थोड़ा सा देखे, हाँ। तो आपको चैनल पे देखते रहते हैं, हाँ हाँ। तो आपसे मिलने की तमन्ना थी थोड़ी सी, हमने आपकी तमन्ना पूरी की, आप हमारी तमन्ना पूरी कर दो, अब तो 2 तारीख को आएंगे, 4 तारीख को, 4 तक का इंतजार तो हमें नहीं है, चलिए सर कोई बात नहीं, आप कुछ तो हल्का तो बताओ, कुछ तो इशारा, लाल टोपी है जो, लाल शर्ट है, और हम नेताजी के मोहल्ले में हैं, इसका कुछ कमाल हो पाएगा, नेताजी का कमाल का हो जाएगा फिर, नेताजी के मोहल्ले में तो नेताजी का कमाल का हो जाएगा, तो कमाल हो पाएगा कुछ, देखते हैं आगे। नेताजी का कांग्रेस से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का, नेताजी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बेशक हम देख रहे हैं रोज सोशल मीडिया पे, नेताजी जा भी रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, गठबंधन धर्म भी निभा रहे हैं, सफल हो पाएगी मेहनत, हो सकती है, कितने % तक उम्मीद है?
50-50 है जो होगा। फंसी है पंजी। फंसी है। आओ, वोटर हो गए? हाँ हो गए। नाम? नाम ऋषिकांत पटेल। काम आम कुछ? अरे पटेल पटेल साहब का तो बहुत सम्मान करना पड़ेगा भाई। इधर 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 उन्हें जानते हो? रमा आरपी निरंजन एमएलसी साहब। हाँ जानते हैं। कैसे लगते हैं? बोले ठीक है, बढ़िया आदमी है। अच्छे है ना? हाँ। उनका ये कभी भाषण चल रहा था, सुना था? नहीं 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 सुना। सोशल मीडिया कम चलाते शायद? चलाते तो अभी इतना इन्वॉल्व। उनका भाषण नहीं सुना? इतना चला 1,00,000 लोगों ने देखा। क्या बात, जब वो बोले मन से। नहीं नहीं हमने देखा नहीं। क्या मूड है? सही वाला? सही वाला, कांग्रेस वाला मूड है। कांग्रेस जी, एक कोई नए मिले हैं जो कांग्रेस की, क्या तो क्या है कांग्रेस में, क्या खूबियां देख रहे हैं कांग्रेस में? अभी जो राहुल गांधी ने कहा कि हम 23,00,000 नौकरियां देंगे अभी आने वाले समय में, 3-4 महीनों में, अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम तो उसी को तरफ देखेंगे। किसानों की भी कर माफी और युवाओं की बात हाँ, करेगा उसको सपोर्ट। ये तो जुमले वाली सरकार है, इनने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज तक भी नहीं दिए। एक और जुमला चला था बहुत तेजी से, कौन सा था? वो 15,00,000 वाला याद आ गया, वो भी जुमला ही था। हाँ जुमला ही था वो, सब जुमले ही है उनके, मोदी जी के। तो राहुल गांधी पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी अब उतना विश्वास नहीं दिखा पा रही है लोगों के बीच में जितना पहली बार में दिखाया था 2014 में। भरोसा था वो नहीं है, वो नहीं है अब, कम हो गया है। हाँ, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, वो कितना भी गंदा हो वो जिस दिन ज्वाइन कर लेता वो बिल्कुल क्लीन। किसको धो दिया? किस किस को धो दिया? जैसे चिराग पासवान जी थे, वो अभी कोई करंट में याद नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनपे काफी सारे केस थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। नाम नाम बता दे जाओ वॉशिंग मशीन में जिसको डाला हो। अब नाम तो काफी सारे, अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए जो हाँ, उनकी खुद की पार्टी। अरे एक बात बता रहा, 22 में विधानसभा चुनाव में थे, उन्होंने बीजेपी जिस दिन ज्वाइन मतलब सपा ज्वाइन की, दूसरे दिन 10 साल पुराना केस ओपन हो गया। जिस दिन तक बीजेपी में थे तब तक उनको केस नहीं देखा बीजेपी वालों को। दस जो भी अपने आसपास भी कोई दिखता है वॉशिंग मशीन वाला झांसी का? अब इधर तो फिलहाल ऐसा कोई है नहीं अभी। में नहीं। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है ऊपर, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, मतलब ईडी आपके हाथ में पावर है, आपको तो भी मिस यूज करेंगे। कुछ नए साथी आए हैं, इन लोगों से भी बात करना बहुत जरूरी है। अरे क्या हुआ, हुआ क्या है, कुछ हो गया? हम ये पूछ रहे, सब लोगों से पूछ रहे, सब लोग बता भी रहे हैं। खेल क्या होने वाला है चुनाव का? अभी वोटिंग पड़ने वाली है 20 तारीख को अपने यहाँ, तो क्या आसपास घूमते हो बाइक से, लोगों से बात होती है, किसका ठीक ठाक दिख रहा अभी? जिसका होएगा दिखाई जाएगा, हमें नहीं दिख रहा। हम तुम तुमसे पूछ रहा, बताओ चुनाव आएगा तो आपको भी दिख जाएगा, हमें भी दिख जाएगा, उसका क्या बताएं? जो अभी नहीं बन रही बात, अभी कोई बात नहीं, इनको नहीं दिख रहा भाई साहब को, लेकिन कुछ लोग हैं दिखाएंगे। हाँ जी भाई साहब बताइए, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा? वही चुनाव वाला है जी, कि जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी इस बार, क्या है मुद्दा जो रहेगा? मेरे ख्याल से विकास का मुद्दा है। झांसी में पिछले अपन कई वर्षों में देख सकते हैं, 5 साल में जो बदलाव और विकास हुए हैं झांसी में, झांसी महानगर में अपन भी युवा है सारे जो खड़े, युवा तरुणाई, अपन घूमते हैं शाम के निकलते हैं तो अपन बदलाव जो देखते हैं, जो आजकल पार्क बन रहे हैंगे, पार्क का जो नवीनीकरण हो रहा हैगा, पार्क का नवीनीकरण देखिए कितने शानदार क्या पार्क हो गए हैंगे। अपन कहीं भी निकलते हैं जो सड़क व्यवस्थाएं हैंगी, सड़कें जो हैं पहले के कंपैरिजन में बनती जा रही हैंगी, अपना जो ये जो फ्लाईओवर बन गया है झांसी ग्वालियर रोड वाला, उसका देखिए कितनी तेजी से काम हुआ हैगा, और कितनी जो एक साइड की रोड है वो पूरी खुल गई हैगी, उससे यातायात व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो गई हैगी। पहले जो जाम लगता था आधा आधा घंटा क्रॉसिंग में, आम जनता को परेशान होना पड़ता था, वो माननीय अनुराग शर्मा जी सांसद जी ने उसका वो करवाया। झांसी से 2 वंदे भारत का संचालन हुआ है, जो झांसी से जो 2 सुचारू रूप से चालू हुई है, उससे जो पैसेंजर है जो ट्रेवल करते है रोज, उनको बहुत आसानी हुई हैगी। तो कुल मिला के जो मुद्दा है, जो लोग मुद्दा उछालते हैं कि केवल भाजपा राम मंदिर के उस पे और उस पे वोट मांगती है, बल्कि पूरा गलत है। जो पढ़ा लिखा युवा समाज का जो शिक्षित युवा है और जो युवा तरुणाई है वो देखती है विकास भी हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है। हम नेताजी के मोहल्ला में खड़े हैं, सपा के कद्दावर नेता हैं, वहाँ हमें अधिकतर लोग भाजपा भाजपा चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है भाई साहब? जैसे मैंने भी आपको बताया, कारण केवल विकास है। हाँ। विकास पे बात हो रही है और विकास पे मैं आपको बोल रहा हूँ। अपन भले ही नेताजी के मोहल्ले में खड़े हैं, मैं भी नेताजी के पीछे ही मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नेताजी ने भी काम नहीं किया, लेकिन बात यहाँ भाजपा की हो रही, चुनावी मुद्दे पे हो रही है। तो जो 5 साल में जो विकास हुआ है मैं उसकी आपसे चर्चा कर रहा हूँ, और जो विकास हुआ है उस पर ही फिर से हम अपने एक उंगली के स्पर्श से फिर से कमल को अपने सांसद जी को पुनः लाएंगे, यही मेरा जी को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कुछ बातें पता होंगी
नहीं अभी ऐसी मेरी कोई तो बात है नहीं, ऐसे कोई नहीं चल रही है, नहीं ऐसे कोई नहीं है, हैं कुछ तो हैं। आप थोड़ा अगर संकेत दें तो मैं बता पाऊँ। एक भाई साहब मिले थे, मेरी पर्सनल तो कुछ नहीं है जी, नेताजी कम निकलते हैं थोड़ा मिलना जुलना कम है लोगों से मिलना जुलना कम है। हाँ बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि केवल अभी चुनाव है तो इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं, वैसे उनके बंगलों पे जाओ तो वो मिलते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं। आई है ये खबर, आई है अब तक सुनी है, जैसे आपने सुनी ऐसी उड़ती उड़ती हमारे पास भी आई है ये वाली खबर कि वो समय नहीं देते हैं, सुनते नहीं है, मिलते नहीं है। अब जो कुछ भी कारण भाई साहब इस पर मैं नहीं बता सकता, वो व्यस्त रहते हों क्योंकि उनको दिल्ली में भी संसद में अपने झांसी ललितपुर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उधर भी रहते हों और जो भी उनके व्यवसाय चल रहे हैं उसमें व्यस्त रहते हों, उसमें मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बता सकते इस वजह से। अच्छा कांग्रेस गठबंधन और सपा जो भी पार्टी हों, बहुत सारी पार्टी हैं, मिक्स हैं, उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है प्रदीप जैन को, क्या लग रहा है फाइट कहां तक जाएगी, रेशियो क्या मान रहे हैं? रेशियो ये मान रहे हैं पिछली बार अनुराग शर्मा जी 5 लाख मेरे ख्याल से 4 लाख या चार नहीं कम थोड़ा सा 3-4 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हमें पूरा विश्वास है कि 5 लाख वोटों के अंतर से वो जीतेंगे, बढ़त रहेगी। प्रदीप जैन प्रदीप जैन भी टक्कर दे रहे हैं इस बार, लेकिन हमारा मानना यही है कि अनुराग शर्मा जी कह रहे कि और अंतर गहरा जाएगा, बिल्कुल अंतर गहरा जाएगा, टक्कर कहाँ रहेगी? देखो सच जी, जितनी आपने सही बात की हमने पचाई, कुछ चीजें पाचन योग्य नहीं हो रही, जैसे पत्थर पत्थर खा लो। मैं आपको बताया जरा वो भी कारण 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, जो झांसी न्यूज वाले भी उधर किले की तलहटी पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें प्रदीप जैन जी का नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है, वो कह रहे हैं प्रदीप जैन जी को हम वोट देंगे भारी मतों से विजयी बनाएंगे, वो ठीक है। देखो अपना मकसद ये नहीं है कि किसी के पक्ष में हवा बनाए या किसी की हवा बिगाड़े, सच आपने कहा विकास के काम गिनाए, मैंने नहीं रोका, लेकिन आपने कहा कि इस बार 3.5 लाख या 4 लाख से भी ज्यादा जीत होगी, थोड़ा सा मुझे डाउट है, वो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल हम लोग का मानना है कि इस बार ज़्यादा अंतर से वो जीतेंगे, फाइट रहेगी लेकिन फिर भी हमारे विश्वास है कि वे 5 लाख के वोट से जीतेंगे वो। अच्छा एक और सवाल का जवाब दे दो, आप दे ही रहे हो तो, प्रदीप जैन के अलावा यदि गठबंधन किसी और को उतारता तो फाइट और अच्छी हो सकती थी कि और भी घटिया होती फिर? नहीं, जो प्रदीप जैन जी है वो मेरे ख्याल से इंडियन आइन से जो प्रत्याशी है वो सबसे मजबूत प्रत्याशी है, अगर इसके अलावा कोई दावेदार उतरता तो इतनी फाइट नहीं होती मेरे ख्याल से जितनी फाइट प्रदीप जैन जी दे रहे हैं, यही मेरा ख्याल। ए थोड़ा मुझे ठीक लगा सवाल कि हाँ प्रदीप जैन के अलावा कोई और होता तो शायद, क्या सही कह रहा मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं एक तो और कोई प्रत्याशी होता, ये जो प्रदीप जैन है वो तो मान सकते हैं कि भैया जमीनी नेता है वो, ठीक वो हमेशा से गरीब लोगों की मदद करता है वैसे भी, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं है। अब देखो भैया बीजेपी की लहर चल रही, ठीक है अब तक की बात करें प्रदीप जैन हमारे पैसे चाचा और सभी संगे रथ, पहली बात तो बहुत पुराने ही हैं उनके संगे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम तो भैया घर वाले हमारे तो सब बीजेपी वाले हैं, काय को झूठ भी बोले, और हमें तो इतने कहीं लग रही कि आने वाले समय में मोदी सरकार फिर से दोबारा बने 4 तारीख को जो ही खिलेगा मोदी फूल खिलेगा, वो तैयार हम तो दौड़ लगा बजावे तैयार है हम तो अभी से बजा और भी कछु लोग हैं आपने कछु अरे यार बस जी थोड़े एक दो लोगन से और दूर खड़े तनक इन लोगन से बात जी कह रहे कि यार का है स्थिति चर्चा जी है कि अब इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए, जिस तरह से रोटी होती है बदलते रहो तो सत्ता भी तो देश में तानाशाही नहीं आती, लोकतंत्र बचा जाता, डेमोक्रेटी बना रहता है, ये है। हाँ भाजपा क्यों नहीं आ रही समझ में? भाजपा ऐसे नहीं है ताना सही, एक वर्ग हावी हो रहा दूसरे वर्ग पे, जो वंचित वर्ग है गरीब तबका है उस पे, जो अमीर वर्ग है वो हावी हो रहा। हाँ। आर्थिक असमानता बढ़ रही है सीएमआई की आंकड़ी पढ़े आपने? हमने कछु ही नहीं पढ़ा। तो आपसे नहीं हमसे बात चल रही है, गठबंधन ठीक ठाक दिख रहा, सरकार बनेगी उम्मीद तो है कि बनना चाहिए, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अभी तो राहुल गांधी है मेन कैंडिडेट और कोई तो है नहीं, वही सबसे विपक्षी बड़ी पार्टी है। तो ठीक है आपने ठीक जवाब दे दिया है, आप कुछ नहीं बोले। तो ये हम लोग थे यहाँ सीपरी बाजार के आर कन्या चौराहे के इर्द गिर्द उस गली में जहाँ नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव रहते हैं, यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, आगे और भी झांसी के अलग अलग चौक चौराहों से आपको दिखाते रहेंगे कि झांसी का माहौल क्या है, और झांसी ही नहीं मऊरानीपुर टहरौली ललितपुर मेहरौनी बार बिरधा जखौरा जाखलौन कटेरा बंगरा सकरार इतने जाके भी आपको स्थिति बताएं कि काकछू हालचाल है झांसी को।
या तो सिटी की स्थिति है, तीसरे शहर की बता रहे हैं हम अलग अलग जगह जाके, आगे और भी जगह जाऊँ तक कि आपको बतावे को प्रयास करें। रिपोर्ट में देखें, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।